हरियाणा के चार खिलाड़ियों को भारत के सबसे बड़े सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ने सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा, मनीष नरवाल, रवि धैया, सुमित अंतिल को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। हरियाणा के आठ खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। योगेश कथूनिया, हरविंदर सिंह, सुरेंद्र पालड़, सिंहराज ओधाना, सुमित कुमार, दीपक पूनिया, मोनिका मलिक और संदीप नरवाल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। कोच सरकार तलवाड़ असन कुमार को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया। उधर हरियाणा के पहलवान श्री सज्जन सिंह को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सज्जन सिंह ने हरियाणा और देश को अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान दिए और अपने 88 वर्ष के जीवन काल में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया। वहीं हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मान मिलने पर सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी। सीएम ने कहा, खिलाड़ियों के सम्मान से सभी को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उधर सीएम मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा है और दौरे के दूसरे दिन चंदन नगर जाएंगे। सीएम वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इंपेयरमेंट का दौरा करेंगे। सीएम स्वामी धर्मदेव के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मनुष्य तू बड़ा महान गीत के बोल गुनगुनाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन सेंटर की बैठक में खरखोदा में 900 एकड़ भूमि पर मारुति का नया प्लांट स्थापित करने के लिए क्लीयरेंस दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश के छोटे बड़े निवेशकों के साथ समय समय पर यह बैठक आयोजित की जाती है ताकि उनकी मांग और पॉलिसी के अनुसार उन्हें छूट दी जा सके। साथ ही इसके मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह परिसर से मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश भर के गांवों के लिए फोगिंग मशीनें वितरित करने की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने कहा, ये फोगिंग मशीनें प्रदेश के उन गांवों में दी जाएगी जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं प्राइवेट संस्थानों में भी 75% आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा, यह योजना उद्योगों और उद्यमियों से विचार विमर्श करने के बाद ही लागू की गई है। साथ ही उद्यमियों के सुझाव पर ही 50,000 रुपए मासिक आय को घटाकर 30,000 रुपए मासिक आय पर इसे लागू किया गया है। वहीं प्रदूषण के सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। उधर चंडीगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बताएं, अलका लांबा ने कहा कि एक फ्रेंच वेबसाइट ने खुलासा किया है कि बिचौलिया सुसैन गुप्ता के घर पर राफेल से जुड़े दस्तावेज ईडी ने बरामद किए। उन्होंने कहा, 65 करोड़ रुपए सुसैन गुप्ता को दलाली के दिए गए थे। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को सोनीपत के एक समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा में 5,000 ग्राम पंचायत को फोगिंग मशीनों के लिए वितरण के लिए चिन्हित किया गया है। उधर इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा, सरकार किसानों से बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, किसान अगर आगे आते हैं तो वो खुद सरकार और किसानों की बात करवाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा, सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाई थी लेकिन जत्थेदारी कमेटी से बातचीत करने ही नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा, जिस तरह से देश और हरियाणा में गतिविधियां बढ़ रही हैं इससे साफ पता चलता है कि किसान आंदोलन को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही आपसी भाईचारा भी खराब हो रहा है। उधर पानीपत के लघु सचिवालय में फोगिंग मशीन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शामिल रहे। उधर बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं सरकारी दफ्तरों में सारा काम वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सीएम केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने पर विचार कर रही है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सारी गतिविधियों पर लगाम लगाया जाए। कंगना रनौत के बयान पर नसीहत देते हुए पूर्व सीएम उपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें आजादी भीख में नहीं मिली, लाखों लोगों की शहादत के बाद हमें आजादी मिली है। तो वहीं पराली जलाने के मुद्दे पर उपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि किसान अगर पराली ना जलाएं तो क्या करें, और सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, सरकार किसानों से पराली क्यों नहीं खरीदती। हरियाणा में कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें जारी है। बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के कुल 17 नए मामले सामने आए हैं।
उधर कोरोना के नए मामलों में 12 मरीजों की पहचान गुरुग्राम से हुई, इसके बाद फरीदाबाद में 3, पंचकुला में 2 नए मरीज मिले हैं। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। बीते एक दिन की अगर बात की जाए तो पहली और दूसरी डोज मिलकर कुल 1,05,163 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। हरियाणा सरकार ने नियम 134A के तहत दाखिले के लिए आवेदन करने की तारीख को 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि अंबाला में नियम 134A के तहत सिर्फ 14 बच्चों ने आवेदन किया है, जिसको लेकर वो बच्चों और उनके अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। उधर सदन में जोरदार हंगामे के बीच जजपा और कांग्रेसी पार्षद अपनी सीट से उठकर सदन के अध्यक्ष मेयर कुलभूषण गोयल, विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और सांसद रतनलाल कटारिया की सीट तक पहुंच गए। कांग्रेसी और जजपा पार्षदों ने संसद में कई बार पूछा कि पेड पार्किंग को बिना सदन की बैठक के कैसे पास करवाया जाए। जोरदार हंगामे के चलते बैठक 40 मिनट के बाद समाप्त हो गई। उधर बरवाला के एसडीएम राजेंद्र कुमार ने नजदीकी गांव पावड़ा के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सरकारी स्कूल के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान मिला। उधर करनाल के जिला सचिवालय में 6,000 मिड डे मील वर्कर्स ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासनिक अधिकारी को हरियाणा के शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और वहीं दूसरी तरफ भादुरगढ़ की कई कॉलोनियों में पीने के पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का इस मामले को लेकर कहना है कि पिछले 6 दिन से शहर की कई कॉलोनियों में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही। महिलाओं ने अधिकारियों से दिन में 2 बार पानी की सप्लाई करने की मांग की है। उधर सोनीपत के गांव हलालपुर में पहलवान निशा और उसके भाई सूरज की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पवन और सचिन को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया है। उधर पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए कोर्ट से 5 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन न्यायाधीश रेणु सोलंकी ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। वहीं वारदात में शामिल आरोपी की पत्नी सुजाता को 1 दिन की रिमांड पूरी होने पर जेल भेजा गया। नीलोखेड़ी के तरावड़ी ईदगाह बस्ती में शराब के नशे में धुत एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इस दौरान युवक को नीचे उतारने के लिए लोगों का हुजूम लग गया। वहीं सिरसा में धान के अवशेष जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को यहां 20 जगह हरसेक मिली, जहां पर प्रशासन की टीमें जुट गई। उधर सिरसा में भी 165 लोकेशन मिली, जबकि 68 लोकेशन पर आग लगाए जाने की पुष्टि नहीं हुई। प्रशासन की टीमें किसानों को अवशेष न जलाने को लेकर जागरूक कर रही है। उधर हरियाणा के रोहतक में हवा जहरीली हो चुकी है। जिले में AQI 483 दर्ज किया गया है। वहीं इस गंभीर मसले पर लोगों का कहना है कि घर से बाहर निकलते ही आंखों में जलन और सांस लेने में ज्यादा परेशानी हो रही है। उधर लश्कर ए तैयबा ने हरियाणा के रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। उधर लश्कर ने अंबाला मंडल के DRM को पत्र भेजकर अंबाला कैंट के अलावा यमुनानगर, शिमला, चंडीगढ़, सहारनपुर समेत कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी है। मामले में कार्रवाई करते हुए अंबाला कैंट पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अमीम शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लश्कर के धमकी के बाद रोहतक रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा पूरी कर दी गई है। उधर रेवाड़ी में एक दिव्यांग को BPL कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। 2 साल तक चक्कर काटने के बाद भी नरेंद्र नामक व्यक्ति का BPL कार्ड नहीं बना है। रेवाड़ी के कुतुबपुर निवासी नरेंद्र दोनों पैरों से लाचार है। उनके दोनों पैर कटे हुए हैं। पत्नी की 6 महीने पहले मौत हो चुकी है। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग की टीमें वैक्सीनेशन अभियान को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी है। टीका केंद्रों पर वैक्सीनेशन के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर दस्तक दे रही है। वहीं इस अभियान के तहत विभाग की 100 टीमें घर घर पहुंचकर पात्र लोगों का वैक्सीनेशन कर रही हैं। जिले में पिछले 4 दिनों में लगभग 19,000 लोगों का टीकाकरण किया गया है। गोहाना की अनाज मंडी में धान की आवक में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं मंडी के उठान का काम में धीमी गति से पूरा किया जा रहा है। उधर किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। गोहाना जींद रोड पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने खाद बीज विक्रेताओं
दुकानों पर पहुंचकर डीएपी खाद का स्टॉक चेक किया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने एक दुकानदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस दौरान करीब 12 खाद बीज विक्रेताओं के गेहूं के बीज और दवाइयों के सैंपल लिए। अधिकारियों ने कहा सैंपल फेल आने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर डीएपी खाद को लेकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसानों का आरोप है कि हमें ना तो टोकन दिया जा रहा है और न ही उन्हें खाद दी जा रही है। उधर हरियाणा में बायोडीजल में हो रही मिलावट खोरी से आम लोग परेशान हैं। पंप संचालकों का भारी नुकसान भी हो रहा है। मुनाफाखोरों पर कार्रवाई और वेट में कटौती को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने एक दिवसीय हड़ताल की है। संचालकों ने लोगों से अपील की है कि जरूरत के मुताबिक एक दिन पहले ही पेट्रोल डीजल लेकर रख लें। उधर झज्जर में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर जिला पुलिस कप्तान वसीम अकरम को ज्ञापन सौंपा है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद किया जाएगा। उधर हरियाणा में नकली पेट्रोल की खरीद फरोख्त के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। दरअसल आपको बताएं 15 नवंबर को प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। वहीं संचालकों ने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग रविवार को ही गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवाकर रख लें। संचालकों की सरकार से मांग है कि तेल की कीमतों पर वैट घटाया जाए। उधर अंबाला में शत विशत शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस को राज्य के मेडिकल कॉलेजों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। वहीं अंबाला पुलिस ने अंबाला रेंज की आईजी भारती अरोड़ा के चलाए गए नशाखोरी के और सट्टेबाजी के खिलाफ अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संदर्भ में एसएचओ नरेश शर्मा ने हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी में डेहा बस्ती और गवाल मंडी के नुमाइंदों को बुलाकर उनसे सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस अकेली चाहे तो वो नशाखोरी और सट्टा खाई वालों से निपट नहीं सकती। उधर सर्दियों में कोहरे की शुरुआत होते ही परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आया। दरअसल परिवहन विभाग के द्वारा फतेहाबाद के विभिन्न इलाकों में स्कूलों बसों को चेक किया जा रहा है। उधर पलवल की अनाज मंडी में धान की खरीद बंद किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को पलवल जिले के किसानों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उधर किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द धान की खरीद शुरू नहीं की गई तो विधायकों के आवास के सामने धान ले जाकर डाल दिया जाएगा। रिवाड़ी बस स्टैंड के बाहर अवैध रूप से बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत हरियाणा रोडवेज को घाटा हो रहा है। अधिकारियों को कहना है कि अवैध बस चालकों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी अवैध बसों का संचालन बंद नहीं हो रहा। उधर अंबाला के डीआरएम को लश्कर ए तैयबा का धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें अंबाला हिमाचल के मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी गई है। पंजाब और हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी का पत्र डीआरएम फिरोजपुर को मिलने के बाद पंजाब हरियाणा के रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्रांच की टीम ने कच्चा बाजार के चिड़ीमार मोहल्ला में छापा मारा। इस दौरान वाइल्ड लाइफ की टीम ने पिंजरे में बंद किए 13 तोतों को बरामद किया। वहीं आपको बताएं इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ अवैध रूप से बलिया समाज के लोगों ने चिड़ीमार मोहल्ले में कुछ तोते और पिंजरे में बंद करके रखे हैं, जो कि कानून अपराध है। तो जांच के बाद बरामद किए गए तोते गैर कानूनी रूप से रखे गए हैं। वही टीम ने अंबाला कैंट सदर थाने में ले जाकर मामला दर्ज करवा दिया है। वही हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 104 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा पुल अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के चलते निर्माण से पहले ही क्षतिग्रस्त होकर किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। ना सिर्फ निर्माणाधीन पुल के पास माइनिंग हो रही है, बल्कि माइनिंग माफिया के लोग इस निर्माणाधीन पुल का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। उधर गोहाना नगर परिषद प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है। दरअसल अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है जिनका प्रॉपर्टी टैक्स 1 लाख से ऊपर है। परिषद के अधिकारियों ने बताया कि पहले तो लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे और अगर फिर भी टैक्स जमा नहीं करवाया गया तो एक्ट के तहत उनको जेल में डालने का काम नगर परिषद की तरफ से किया जाएगा। उधर पिहोवा में महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। दरअसल पीड़ित महिला ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि बीते दिनों एक व्यक्ति उसको मार्केट में मिला था।
उसने उसे जॉब लगवाने का वादा किया था। उसके बाद एक दिन व्यक्ति महिला के घर पर अचानक पहुंचा और उसके पास अकेली पाकर उसे जोर जबरदस्ती करके महिला का दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत महिला ने तुरंत पुलिस को दी। आपको बताएं कार्रवाई की मांग की गई है इस मामले में। उन्होंने कहा लगातार पुलिस आरोपियों के घर पर छापेमारी कर रही है लेकिन आरोपी फरार चल रहा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर सोनीपत के खरखोदा में एक बॉक्सिंग एकेडमी में कोचिंग लेने वाली 22 वर्षीय लड़की को संदिग्ध हालत में मौत के करीब पाया गया। काफी देर तक लड़की बाथरूम से बाहर नहीं आई, जिसके बाद मकान मालिक ने दरवाजा तोड़कर देखा तो लड़की बेहोश पड़ी थी, जिसके बाद लड़की को फौरन अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर रोहतक में झज्जर रोड स्थित जलघर के टैंक में दो भाइयों के डूबने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और जनस्वास्थ्य विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे। फरीदाबाद की पर्वतिया कॉलोनी में नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर एक मनी ट्रांसफर की दुकान में 80,000 रुपए की लूट की है। वहीं लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। उधर पलवल में आहलापुर फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को क्षतिग्रस्त करते हुए हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोपी है कि पुलिसकर्मी 100-100 रुपए की रिश्वत लेकर भारी वाहनों को नो एंट्री के बावजूद भी छोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के परिवार में एक युवक को डीसी रेट पर नौकरी दी जाए और यहां से नो एंट्री को बंद किया जाए। उधर झज्जर के याकूबपुर के पास अज्ञात वाहन ने एक 28 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली में एक्यूआई 386 दर्ज किया गया, जिसे बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। उधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को बाहर जाने से बचाने की सलाह दी है। साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय को गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों के उपयोग को कम से कम 30% तक कम करने के निर्देश दिए हैं। उधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह दी। उधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच आज होगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। दोनों ही टीमें अब T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीत सकी। तो फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।